अरिजीत साहा की तरफ से, जैसा कि लेटेस्ट मी वाई 12.5.2 का न्यू जो है बिल्ड आया हुआ है, और पिछला जो था मी वाई 12.5.1 था और वो पोर्ट किया गया था MI 9SE से, लेकिन ये वाला पोर्ट किया गया है मी नोट 10 से। तो यहाँ पे भी आपका वॉइस चेंजर वर्किंग है, और साथ साथ यहाँ पे जो है आप पूरी वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे बग ज़रूर देखने को मिलते हैं, लेकिन बग कितने हैं कितने नहीं वो सारी चीज़ें आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ताकि आप यहाँ पे डिसाइड कर सको कि आपको इंस्टॉल करना है या फिर नहीं करना है। ताकि आप अगर डाटा जिनके पास कम रहता है तो एक बार वीडियो ऐसे ही देख लेना, ताकि आपका जो है डाटा बच सके। अगर नहीं तो काफ़ी लोग डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद वीडियो देखते हैं, तो पहले एक बार वीडियो आप देख लोगे तो ज़्यादा आपके लिए भी बेटर रहा करेगा कि वीडियो देख लोगे तो उसके बाद डिसाइड कर सको कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें जो है क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। बिल्ड नंबर हमारा यहाँ पे MIUI बाय सोमी डॉट यू 12.5.2 स्टेबल मिलता है, जो कि मी नोट 10 से पोर्ट किया गया है। अरिजीत शाह की तरफ से आता है ये बिल्ड। और ऑल स्पेक्स में चलते हैं तो यहाँ पे ओवरक्लॉक्ड है, एंड्रॉइड वर्जन 11 है, और 1 अप्रैल 2021 की सिक्योरिटी पैच मिलती है, और हमारा जो यहाँ पे कर्नल है डीगल का वर्जन 13 कर्नल में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और स्टेटस बार हालांकि आपका इस बिल्कुल स्मूथ है, और आप यहाँ पे जो है जैसे कि स्लाइड करते हैं, स्लाइड भी आप यहाँ पे कर पाओगे लेफ्ट एंड राइट साइड में, जैसे कि अभी फिलहाल लेटेस्ट बीटा में कर पाते हैं हम, तो यहाँ पे आप स्टेबल वाले बिल्ड में आप कर पाओगे जो कि स्टेबल बिल्ड से पोर्ट हुआ है। हालांकि वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आपका काम करता है यहाँ पे भी, और एडिट पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, और वॉल्यूम पैनल आपका लेटेस्ट ही मिलता है, और आपका जो पावर मेन्यू है वो भी आपको बिल्कुल लेटेस्ट ही देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और ऐप ओपनिंग भी देखोगे तो ऐप ओपनिंग में आपको जैसे कि अभी डिले देखने को मिल रहा है, बाकी रोम भी अगर आप देखोगे तो उसी टाइप से एंड्रॉइड 11 जैसे कि डिले अभी देखने को मिल रहे हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी डिले देखने को ज़रूर हल्का मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है फिलहाल ऐप ओपनिंग आपकी मिल जाती है। हालांकि ऐप ओपनिंग में स्मूथनेस आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पे। अगर हम रैम के देखते हैं यहाँ पे रैम को, तो रैम आपका 1.6 या फिर 1.7 GB तक जो है फ्री मिल जाता है 4GB के अंदर। कैमरा आपको अभी आपको इस बार मिलने वाला है MIUI 11 वाला कैमरा, लेकिन पोर्ट एंड मोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे फिलहाल तो स्लो मोशन भी नहीं है, और जो वीडियो क्वालिटी है 1080p 30fps तक की मिल जाती है। और अगर हम कैमरे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपका जो GCam है वो बिल्कुल इस तरीके से काम करता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपका जो है गूगल मिल जाता है, जहाँ पे आपका ओके गूगल काम करता है, तो आप ओके गूगल को यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे आपका वेदर हो गया, हेल्थ एप्लीकेशन हो गया, गैलरी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे लेटेस्ट ही देखने को मिलती है। गैलरी आप देखोगे तो पूरी तरीके से लेटेस्ट है, तो आपको यहाँ पे फिलहाल दिक्कत नहीं मिलती है, गैलरी आपकी पूरी लेटेस्ट है। तो MIUI 12.5 बेस्ड रोम है, तो आपको लेटेस्ट ही मिलेगी यहाँ पे। और आपका जो प्ले स्टोर है फिलहाल इसका जो है यहाँ पे आपका डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा खुद से रूट करके, तो उसकी वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, मैजिक ऑल प्रॉब्लम वाली, तो आप देख लेना, उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। टूल्स के अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिलता, FM है, FM आपका काम करता भी है। और यहाँ पे अगर एंटूटू स्कोर देखें तो 163,918 मिलता है, जो कि एंटूटू स्कोर आप देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है अभी के टाइम पर, अगर आप देखोगे तो बेस्ट एंटूटू स्कोर आपको यहाँ पर मिलता है। वहीं आपका जो ऐप बोल्ट है बिल्कुल लेटेस्ट है, और यहाँ पे आपको जैसे बीटा वाले में भी एनिमेशन देखने को मिलता था, इसमें भी एनिमेशन है। और कॉलिंग के अंदर क्या है कि आपका वोल्टी काम करता है लेकिन वीडियो कॉल का बग मिल जाता है। ब्लूटूथ ऑडियो आपका कॉलिंग पे काम करता है, लेकिन मल्टीमीडिया जैसे कि आप गाने उन्हें सुनते हो उस पर आपको साउंड नहीं आने वाला ब्लूटूथ पे। और प्रॉक्सिमिटी का भी आपको बग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये जो है आपको फिलहाल इतना चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे। सेटिंग में आपका कास्ट का बग आपको मिलेगा यहाँ पे। और अगर हम चलते हैं वॉल पेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो है वॉल पेपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सुपर वॉल पेपर भी दिया गया है, और MIUI 12.5 के वॉल पेपर्स आपको मिल जाते हैं। और वहीं पे जो फिंगरप्रिंट वाला दिया गया, इसकी वजह से जो है आपका लॉक स्क्रीन पे ब्राइटनेस जो है काफ़ी लो देखने को मिलता है। बाकी आपका जो थीम स्टोर है ये फिलहाल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वही कंफर्टेबल वाला इशू आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जैसे कि एंड्रॉइड 11 की सभी में देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें मेन प्रॉब्लम की, तो लॉक स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि लॉक स्क्रीन पे आप यहाँ पे नहीं जा पाओगे। तो ये जो है दिक्कत आपको अभी देखने को मिल रही है यहाँ पे भी। तो ये जो है आप यहाँ से, इसकी वजह से डबल टैप भी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जाके ऑन ही नहीं कर सकते उसको, तो ये भी प्रॉब्लम आपको मिलती है। वही डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपका रीडिंग मोड एंड कलर भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जो कि फिलहाल मी नोट 10 वाले में ऐसे भी काम नहीं करता था। बाकी रोटेशन आपका यहाँ पे काम करता है। और अगर हम बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो यहाँ पे आपका जो है ये सारी चीज़ें सेटिंग्स मिल जाएगी, एडिशनल सेटिंग्स। हालांकि साउंड इफेक्ट के अंदर आप नहीं जा सकते, तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम मिल जाता है, जिसमें जाने पे जो है ज़्यादा टैप करते हो तो क्रैश कर जाता है, तो ये एक दिक्कत यहाँ पे भी मिल जाती है।
और नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल तो फिलहाल आपको पहले की तरह मिलेगा, जैसे कि ओल्ड एंड न्यू कर सकते हो, साइड चेंज एंड स्टेटस बार की भी सेटिंग मिल जाती है, नीचे आपको नॉच का ऑप्शन मिल जाता है। और वहीं अगर हम होम स्क्रीन में चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन, जिसके अंदर आप यहाँ पे जो है आराम से जेस्चर यूज़ कर पाओगे, ये काफ़ी स्मूथ है। और वही आपका नेविगेशन बटन भी, हालांकि ऑन करने पे जैसे कि डिले है वहाँ पे, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपका जो स्मूथनेस है वो ज़रूर यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो उसमें फिलहाल दिक्कत नहीं है। हालाँकि आपको यहाँ पे स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट देखने को नहीं मिलता है, बाकी बाहर जितनी भी सेटिंग्स है सब नॉर्मल ही है। और सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक अच्छे से काम कर रहा है, इनमें आपको दिक्कत नहीं मिलता। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आप देखोगे तो बिल्कुल लेटेस्ट वाली ही है, तो यहाँ पे भी दिक्कत हमें नहीं मिलता। और बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो बैटरी जो है आपको यहाँ पे फिलहाल ठीक ठाक मिल जाती है, ज़्यादा बेटर अभी नहीं मिलती है, जैसे कि एंड्रॉइड 11 में भी एकदम ज़्यादा बेटर वाली अभी देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम ऐप्स में चलते हैं तो यहाँ पे आपका डुअल ऐप लॉक आपको मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग्स में आपके जो लैंग्वेज है यहाँ पे, तो लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो ये सारी लैंग्वेज मिल जाती हैं आपको, यहाँ पर जो है इंडोनेशियन लैंग्वेज देखने को नहीं मिलती है, बाकी तो काफ़ी सारी लैंग्वेज जो है देखने को हमें मिल जाती है, जैसे कि बाकी कुछ रोम्स में भी है। और रीजन आप चेंज कर पाओगे, और नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, और नोटिफिकेशन लाइट भी काम नहीं करती। और क्विक बोल है, क्लियर स्पीकर भी यहाँ पे हमें मिल जाता है। और अगर हम स्क्रीन टाइम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे फोकस मोड देखने को मिल जाएगा, इसमें फिलहाल दिक्कत नहीं है। स्पेशल फीचर्स के अंदर जो है आपका गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटी विंडो, सेकंड स्पेस, मोबाइल ऐप एंड लाइट मोड देखने को मिल जाता है। और बाहर अकाउंट सेटिंग्स जितनी भी है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और जो गेम है इसके अंदर आपका गेम टर्बो है, जिसमें आपको मिल जाता है वॉइस चेंजर, तो आप यहाँ पे जो है वॉइस चेंजर यूज़ कर सकते हो, वर्किंग है, पिछले वाले में भी काम करता था और अभी भी जो है ये काम कर जाता है। और हमारा जो ग्राफिक है इस बार अनलॉक हो चुका है यहाँ पे स्मूथ पे 90 FPS तक, जो कि पहले हाई तक ही था, और बैलेंस पे हाई और HD पे हाई है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले और आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि परफॉर्मेंस कैसी यहाँ पे मिलती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी वाली देखने को मिलने वाली है। मेन प्रॉब्लम है इस रोम का बग्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, बाकी स्मूथनेस जो है काफ़ी अच्छा है और गेमिंग परफॉर्मेंस तो आपको ज़रूर यहाँ पे काफ़ी बेटर लगने वाली है। लेकिन यहाँ पे मेन इतनी सारी दिक्कत है, तो मे भी कोई अगर जो है डेली लाइफ के लिए सोचेगा अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि यहाँ पे जो है दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। शायद तक अरिजीत शाह जो है अभी कुछ अपडेट में इस चीज़ को कुछ करें, फ़िलहाल फिक्स करें, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी तो आपको ज़रूर यहाँ पे दिक्कत आप ही देखे हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन रोम की स्मूथनेस पे जो है यहाँ पे डाउट अभी नहीं कर सकते, ये जो है बिल्कुल अच्छी आपको मिलती है यहाँ पे, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे फिलहाल हीटिंग इशू भी मुझे चार्जिंग के टाइम पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक था, अच्छा था। और बैटरी जो है अभी आपको नॉर्मल जैसे कि उस तरीके से मिलने वाली है, बिल्कुल एकदम तगड़ी वाली नहीं, एंड्रॉइड 10 की तरह नहीं मिलने वाली अभी फिलहाल आपको यहाँ पे। तो इसी तरीके से यही सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। और बाकी इंस्टॉलेशन आपका जैसे बाकी रूम में रहता है उसी तरीके से रहने वाला है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है। तो यही सारी चेंजेस थे जो कि हमें देखने को मिल जाती है इस बिल्ड के अंदर, जो कि मी नोट 10 से इस बार पोर्ट हुआ है। पिछली बार जो हम रिव्यू किए थे MIUI 12.5.1, तो वो फिलहाल था MI 9 SE से, उसके अंदर भी वॉइस चेंजर काम करता है, उसमें भी जो है प्रॉब्लम्स थी, इसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, मेरे हिसाब से अभी फिलहाल डेली लाइफ के लिए मेरी तरफ से तो नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो है किस तरीके से यूज़ करते हो फ़ोन को तो आपके ऊपर ही है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स for watching.